ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। आय से अधिक संपत्ति के मामले की आरोपी रेखा नायर के खिलाफ अखबारों में जारी हुआ इश्तिहार, विभाग ने दी है सिर्फ 7 दिन की मोहलत। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां ईओडब्ल्यू लगातार रेखा के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विभाग ने रेखा के काम पर लौटने को लेकर भी दबाव बढ़ा दिया है। अखबारों में इश्तिहार जारी कर रेखा नायर को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। ईओडब्ल्यू के डीजीपी के सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में रेखा नायर को 7 दिनों की मोहलत दी गई है। इससे पहले भी रेखा को नोटिस दिया जा चुका है, उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रेखा नायर पर फोन टेपिंग करने का गंभीर आरोप है। आरोप ये है कि मुकेश गुप्ता के निर्देश पर रेखा नायर फोन टेपिंग किया करती थी। इसके लिए बकायदा विदेश से रेखा को ट्रेनिंग भी दिलाई गई थी। इन तमाम आरोपी की सच्चाई जानने के लिए रेखा की तलाश ईओडब्ल्यू कर रही है, लेकिन फिलहाल रेखा ने न तो पूछताछ में कोई सहयोग दिया है और न ही दफ्तर में ज्वाइनिंग दी है। रेखा नायर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया है। अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा ईओडब्ल्यू ने किया है। पिछले दिनों भिलाई में रेखा नायर की बहन के ठिकानों पर और उसके बाद रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रेखा नायर के फार्म हाउस पर भी छापा मारा गया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।